क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड प्रॉब्लम, फूड का प्रश्न। अब यहाँ से देना वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये कह रहा है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ये कह रहा है हॉस्टल है स्कूल का, वहाँ जो मंथली चार्ज फिक्स आ रहा है, आपको हॉस्टल में रहना है चाहे आप एक दिन रहें या 10 दिन या 30 दिन या महीने भर रहें, तो आपको पूरा चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन खाने का क्या है, पर डे जितने दिन आप खाओगे उतने दिन का चार्ज देना है, ये कहने का मतलब है। हॉस्टल चार्ज रहने का तो पूरा देना चाहे आप एक दिन रहें 10 दिन रहें पूरा महीने भर रहें, लेकिन खाने का जितने दिन खाओगे उतने दिन चार्ज, तो क्या करोगे? ये बोलता है मंथली हॉस्टल चार्ज बी रूपी एक्स पर डे फूड चार्ज बी रूपी वाई, ये बोलो पर डे के हिसाब से। अब कह रहा है क्या आ रहा है, मैंने स्टूडेंट 8 days फूड फॉर 20 days ही पे ना, अब 20 दिन का खाना खाया 20 days, तो ये एक्स प्लस 20y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, कितना दिया 1000, तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। फिर कह रहा है अब ये वो टेक फूड फॉर 26 days, अब इससे एक्स प्लस 26 y इक्वल टू आ गया 1186 दोनों प्लस के, तो हमें आ गया सबट्रैक्ट, दूसरी लाइन के साइन क्या होते हैं चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल होगी, तो माइनस क्या गया 6y इस पर लोग आ गया 0 8 1 माइनस हो गया, और माइनस से माइनस कर गया वाई इस पर लोग आ गया 180 upon 6 6 3 30, तो ये पार्टी फूड आ गया 30 rupees। अब इसको इसमें रखो तो y इज इक्वल टू 30 14 इक्वेशन 1, तो क्या क्या x प्लस 20 y इज इक्वल टू 1000, तो x प्लस 20 into 30 इज इक्वल टू 1000, x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, और x इज इक्वल टू क्या क्या 1000 माइनस 600, तो x इज इक्वल टू क्या क्या 400, तो इसका मतलब क्या हो गया, हॉस्टल चार्ज यह रुपी 400 और पर डे फूड चार्ज ये कह गया रुपी 30, तो ये कह रहा है इसका मतलब ये निकाल पा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट को पहले कौन क्वेश्चन को पहले 2-3 बार पढ़ो वर्ड प्रॉब्लम, तब समझ में आता है ऐसे नहीं आता है, आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब है वो सेकेंड, क्या कह रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन इट्स वन सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अब हमने कहा जब फ्रैक्शन आता तो उसमें क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या लिखो लेट न्यूमरेटर बी एक्स डिनोमिनेटर बी क्या गया वाई, तब फ्रैक्शन क्या गया ये आ गया एक्स अपॉन वाई। अब है पहली कंडीशन, ए फ्रैक्शन बिकम्स हो जाता है अगर 1/3 व्हेन वन इज सेपरेटेड फ्रॉम न्यूमरेटर, ये कह रहा है जब हम न्यूमरेटर में 1 है माइनस कर देते हैं और न्यूमरेटर ऐसे रहते हैं, तो ये हो जाता है 1/3, तो हमने कुछ जगह क्रॉस मल्टीप्लाई होता है एक्स माइनस 1 into 3 इज इक्वल टू 1 into y, तो क्या क्या 3x - 3 इज इक्वल टू y, 3x - y इसका क्या आ गया 3, ये क्वेश्चन ये बन। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, हाँ एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड द न्यूमरेटर, पूछो मैं न्यूमरेटर 8 ऐड किया
तो x अपॉन y प्लस 8 तो ये आ गया 1 अपॉन 4 कह रहा है तो आपने क्रॉस कर दिया x into 4 is equal to ये क्या गया 1 into y प्लस 8 ये जिसमें ऐड करना है उसमें ऐड करना है सेपरेट करना सेपरेट करना तो क्या गया 4x is equal to y प्लस 8 तो 4x माइनस y is equal to क्या गया 8 ये सेकंड क्वेश्चन बन गया अब आपको मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड अब दोनों में क्या है y इक्वल है तो देखो ये आ गया 4x माइनस y इस पर जो a और ये क्या है 3x माइनस y इस पर 3 है तो क्या है कोई जब ये दोनों बराबर सेपरेट सेपरेट में दूसरे की साइड माइनस प्लस माइनस ये करके तो x इस पर भी आ गया a में से 3 है 5 ये आ गया और अब इसकी वैल्यू इसमें रखो 3x माइनस y इस पर जो 3 तो 3 into 5 minus y is equal to क्या गया 3 5 3 है 15 minus y is equal to क्या गया 3 और 15 minus 3 is equal to क्या गया y तो y is equal to क्या गया 12 तो fraction क्या गया x upon y मतलब 5 upon 12 तो किस हिसाब से करते हैं ये देखते हैं ये डिनोमिनेटर है और हमारा न्यूमरेटर 1 माइनस कर दिया तो 1 अपॉन 3 हो जाता क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में ये कर दिया गया तो ये आ गया तब जाके इसको बनाया तो सेकंड क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन ये हो गया इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो ये अगर यस स्कोर 40 मार्क्स है तो ये टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर में लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर ये अगर यस ने वो करा ये टेस्ट दिया उसको उसको 40 नंबर मिले एक राइट आंसर उसके क्या हुए 3 मार्क्स मिलते हैं और ये रॉन्ग आंसर में क्या होता है एक बार कट होता है तो क्या लिखोगे इसका थर्ड बार लेट राइट आंसर बी एक्स रॉन्ग आंसर बी क्या गया वाई ये कितने रॉन्ग था अब ये कह रहा है जब इसको राइट आंसर कितने नंबर मिलते हैं 3 तो ये आ गया 3x और एक रॉन्ग आंसर कितने नंबर करते हैं 1 तो माइनस वाई वाई आ गया इसको तो 40 मार्क्स मिलेंगे ध्यान में रखो जो माय रॉन्ग आंसर हो तो नंबर को कट कटेंगे इसे फिर क्या कर रहा है फोर मार्क्स आई वांटेड फॉर इज करेक्ट आंसर और टू मार्क्स ऑफ डिफरेंट वन इज अब ये दूसरे कंडीशन आ रहा है कि राइट आंसर 4 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग आंसर में 2 मार्क्स कट होते हैं तो कितने नंबर मिलेगा रहा इसमें 50 तो ये 50 ये नंबर 2 है अब ये आपको कितने क्वेश्चन थे तो आप क्या करोगे देखो ये 3x है 4x है ये इक्वल नहीं है y है 2y है इक्वल नहीं है तो क्या करोगे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 40 इनटू 2 कर दो तो 6x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 80 अभी क्या आ गया 4x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 50 आप देखो ये दोनों बराबर को माइनस किया सबट्रैक्ट तो क्या क्या माइनस प्लस माइनस ये कट गए 6 से 4 गए 2x इज इक्वल टू क्या गया 30 और x इज इक्वल टू क्या गया 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या गया 50 ये आ गया अब इसको इसमें 3x माइनस y इज इक्वल टू 40 तो क्या गया 3x के ना x के ना 15 3 into 15 minus y is equal to 40 तो 45 minus y is equal to क्या गया 40 और 45 उसको ले जाओ minus 40 is equal to क्या गया y तो y is equal to क्या आ गया 5 तो इसका ना राइट आंसर उसके 15 थे और रॉन्ग आंसर उसके 5 थे तो टोटल क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन क्या हो गया एक ग्रुप ऐड कर सकते हैं x प्लस y
एक्स के नाया 15 और प्लस 5 तो कितने आएंगे 20 क्वेश्चन दिए तो उनको ये ध्यान देना है। अब इसके बाद है इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन।